आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा दसवीं के हिंदी के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं, आज उनका हम अभ्यास करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने वर्त जो आने वाली जो परीक्षाएं हैं 2021 में जो होने वाली हैं, उसमें 50% बहुविकल्पी प्रश्नों को रखा है। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और इसलिए ये जो वीडियो है ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ताकि आपका अभ्यास बन जाए कि बहुविकल्पी प्रश्नों को किस प्रकार से हल करना है। और ज्यादा से ज्यादा जब आपको इसको सुनेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सूरदास की रचना कौन सी है? रामचरितमानस, सूरसागर, बीजक, पद्मावत। तो सही आंसर है यहाँ पर सूरसागर। श्री कृष्ण के मित्र का नाम क्या है जो गोपियों को योग का संदेश देता है? बलराम, नंद, उद्धव, अक्रूर। तो यहाँ पर श्री कृष्ण के जो मित्र का नाम उद्धव है। उद्धव को बड़भागी कहने में कौन सा भाव निहित है? पूजा का, प्रशंसा का, गुस्से का, व्यंग का। ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। तो यहाँ पर व्यंग का भाव निहित है। मन की मन ही माज रही, यहाँ पर जो गोपियां हैं उनके कहने का क्या अर्थ है कि मन की मन ही माजरी का क्या अर्थ है? मन की दृढ़ता, मन का भेद, मन की बात मन में ही रहना और मन का पाप। तो इसका सही आंसर है मन की बात मन में ही रहना। अगला प्रश्न है, गोपियां क्या नहीं सुनना चाहती थी? योग का संदेश, विपश्यना, भक्ति योग, कर्म योग। यानी जो उद्धव योग का संदेश देने के लिए गोपियों के पास आया था तो गोपियां उसको नहीं सुनना चाहती थी। तो ये सही आंसर है। गोपियों का मन चुराकर कौन ले गया था? तो आप सभी जानते हैं कि गोपियों का मन चुराकर श्री कृष्ण जी ले गए थे। सही उत्तर श्री कृष्ण जी। गोपियां कड़वी ककड़ी किसे कहती हैं? ककड़ी को, यशोदा को, श्री कृष्ण को, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश को। ये बिल्कुल सही आंसर है कि योग जो उद्धव जी थे उनके द्वारा जो योग का संदेश दिया जा रहा था उसी को गोपियों ने कड़वी ककड़ी कहा था। गोपियों के अनुसार किसने राजनीति की शिक्षा प्राप्त की है? कंस ने, श्री कृष्ण ने, नंद ने, उद्धव ने। जो गोपियों के अनुसार राजनीतिक शिक्षा प्राप्त श्री कृष्ण जी ने की थी। गोपियों के अनुसार पहले से ही चतुर कौन था? बलराम, कंस, श्री कृष्ण, उद्धव। यानी जो श्री कृष्ण जी थे वो पहले से ही, गोपियां व्यंग करते हुए कहती कि वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा चतुर थे और ऊपर से उन्होंने राजनीति की शिक्षा भी प्राप्त कर ली है। प्रीति नदी किसके लिए प्रयोग किया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो प्रीति नदी उद्धव के लिए, नंद के लिए, यशोदा के लिए, श्री कृष्ण के, यहां पर श्री कृष्ण जी के लिए प्रीति नदी प्रयोग किया गया है। प्रथम पद में अपने आप को भोली और अबला समझती हैं देवकी, गोपियां, यशोदा, राधा। यानी जो गोपियां हैं वो अपने आप को जो भोली और अबला समझती हैं। गुर चाटी जो पागी, यहां गुर का क्या अर्थ है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे कई बार इसमें गलती कर देते हैं। तो गुर का मतलब यहां पर गुड़ से है, न कि गुरु से। गुर चाटी जो पागी, यानी जिस प्रकार से चीटियां गुड़ के साथ चिपट जाती हैं, उसी का भाव यहाँ पर रखा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर गुड़ से है, गुड़ का। गोपियां कौन सी बात किसे बताना चाहती थी? अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी, अपने मन की बात उद्धव को, समाज की बात नंद को और संसार के व्यवहार की बात अक्रूर को। यहाँ पर सही आंसर है अपने मन की बात श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। उद्धव गोपियों को कौन सा संदेश देता है? प्रेम का, मोक्ष प्राप्ति का, योग साधना का, भक्ति का। तो यहाँ पर जो उद्धव था श्री कृष्ण के द्वारा भेजा गया था, वो गोपियों को योग साधना का संदेश देना चाहता था। अगला प्रश्न है, गोपियों ने हरि यानी श्री कृष्ण की तुलना किससे की है? गिद्ध से, हारिल से, बाज से, कबूतर से। तो जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। तो यहाँ पर हारिल पक्षी से उसकी तुलना, श्री कृष्ण की तुलना गोपियों ने की है। अगला प्रश्न है, मन चक्री से क्या अभिप्राय है?
तो ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है। तो मन की चक्री से जो मन की अस्थिरता का भाव झलकता है, इसलिए सही आंसर है मन की अस्थिरता। प्रश्न नंबर 17 है, गोपियों ने योग के संदेश को किसके समान कड़वा कहा है? जैसे कि हम पिछले देख चुके हैं, कड़वी ककड़ी के समान योग के संदेश को कड़वा गोपियों ने कहा है। सही आंसर है कड़वी ककड़ी के समान। अपरस रह सने तगाते, यहां पर अपरस का क्या अर्थ है? तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये भी आता है, अपरस रह सने तगाता है, यानी यहां पर अलिप्त, यानी जो भी जो प्रेम के जो धागा है उससे अलिप्त है, यानी उसके साथ संलिप्त नहीं है। तो संलिप्त का विपरीत आर्थिक है अलिप्त, तो यहां पर इसका अपरस का अर्थ आएगा अपलिप्त, अलिप्त। अपरस रह सने तगाते में यहां तगा का क्या अर्थ है? तो यहां पर तगा का अर्थ है धागा, यानी स्नेह के धागे में आप प्यार के बंधन में नहीं पड़े हो, तो बंधन यहां धागा है। प्रश्न नंबर 20, परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? श्री राम को, सीता को, स्वयंवर आयोजन को, टूटे हुए शिव धनुष को। आप सभी को पता है जो परशुराम गुस्सा हुए थे वो टूटे हुए शिव के धनुष को देखकर गुस्सा हुए थे। सही आंसर है टूटे हुए शिव के धनुष को। प्रश्न नंबर 21 है, तुलसीदास के अनुसार कुमुद बतिया किसे देखकर मुरझा जाती है? सूर्य, तर्जनी, अंधकार, ऊख। तो यहां पर कुमुद बतिया जो है तर्जनी उंगली देखकर मुरझा जाती है, जिस प्रकार छुई मुई होती है उसका पौधा होता है, आप उंगली लगाते हैं तो वो मुरझा जाती है, तो उसी का संदर्भ यहाँ पर लिया गया है। तुलसीदास ने भृगुकुल केतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो यहाँ जो भृगुकुल केतु है वो परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनके जो जो उनका जो खानदान था, वंश था, वो भृगुकुल वंश के केतु थे ये, यानी उनकी ध्वजा को वाहन करने वाले। 23वां प्रश्न है, देखी कुठारू सरासन बाना, यहाँ कुठारू का शब्द क्या है? तो कुठारू का शब्द यहाँ से कुल्हाड़े से है, जिसको जो परशुराम जी थे वो हमेशा धारण किए रहते थे, तो उसको कुठारू कहा गया है। परशुराम ने क्रोध को शांत करने के लिए, परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया था, किसने प्रयास किया था? तो यहाँ पर जो प्रयास था वो श्री राम ने किया था, क्योंकि जो लक्ष्मण थे वो तो हमेशा उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो श्री राम के शांत जो वचन थे उनके द्वारा ही परशुराम का क्रोध शांत करने का प्रयास किया गया था। तो सही आंसर श्री राम ने। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते? तो परशुराम यहाँ पर जो लक्ष्मण का वध नहीं करते उसका कारण बताया गया कि मैं बालक समझकर तुम्हें छोड़ रहा हूं, यानी बालक समझकर, यानी बालक जो है उसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो श्री राम ने, आप सभी को पता है कि शिव के धनुष को तोड़ा था, तभी तो परशुराम जी गुस्सा हुए थे, तो सही आंसर है शिव के धनुष को। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तुलसी की रचना कौन सी है? तुलसी यहाँ पर तुलसीदास जी से है, तो सब जानते हैं कि वे विश्व विख्यात है कि रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शीर्षक कविता रामचरितमानस के किस कांड से ली गई है? तो ये जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वो बाल कांड से लिया गया है, बाल कांड जिसमें सीता स्वयंवर वगैरह का प्रसंग आता है। हे नाथ, अगला प्रश्न है, हे नाथ शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, ये शब्द किसने कहे हैं? तो ये राम ने परशुराम को कहे हैं। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? तो परशुराम ने कहा है कि जो सेवा करे, यहां जब आप कविता पढ़ते उसमें भी आवत है सेव जो करे सेविकाई, यानी जो सेवा करता है वही सेवक होता है, तो यहां पर सही आंसर है जो सेवा करे परशुराम ने उसे ही सेवक कहा है। प्रश्न नंबर 31, परशुराम की ने सभा में उपस्थित राजाओं को क्या धमकी दी थी? तो परशुराम ने आक्रमण करने की, राज्य छीन लेने की, वध करने की, धन संपत्ति लूटने की, तो सही आंसर है वध करने की। तो परशुराम ने जैसे बताया था कि जिसने धनुष तोड़ा है वो सब समाज से अलग हो जाए अन्यथा सारे राजा मारे जाएंगे, तो वध करने की यहाँ पर धमकी दी थी। 33वां है, तुलसीदास ने गादी सुन शब्द किसके
किसके लिए प्रयोग किया है? तो वो विश्वामित्र के लिए प्रयोग किया है। कदि सुनो, अमय खांडव ने उख में यहां एस अमय शब्द का अर्थ कौन सा है? अमय शब्द का यहां पर लोहे से बना हुआ है, लोहे का बना हुआ, गन्ना खांड का बना हुआ, यानी लोहे का बना हुआ है, यानी जिसको आप ईख का समझ रहे हो वो असल में लोहे का बना हुआ है, ऐसा इसका भाव है। तो ये अमय का मतलब यहां पर लोहे का बना हुआ सही आंसर है। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को किसके समान अपना शत्रु बताया है? तो परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले को सहस्त्र बाहु के समान अपना शत्रु बताया है, क्योंकि जो सहस्त्र बाहु है और परशुराम की दुश्मनी जग जाहिर है, इसलिए वो बार बार अपनी बातों में कहते हैं कि मैंने सहस्त्र बाहु को कई बार मारा है। 36वां प्रश्न है, अहो मुनीस महाभटमानी शब्द किसने कहे हैं? तो ये शब्द की कहे हैं लक्ष्मण ने, और लक्ष्मण ने व्यंग से ये शब्द कहे हैं कि आप तो बहुत बहुत महामुनि हो और बहुत बहादुर हो, इस प्रकार के अहो मुनीस महाभटमानी, तो बहुत अभिमान वाले हो और महायोगी हो, तो ये शब्द जो है लक्ष्मण ने कहे हैं। प्रश्न 37 है, किसके वचन कोटि कुलिस के समान है? तो यहाँ पर कोटिक कुलिस यानी यहाँ तो परशुराम के जो शब्द हैं वो कोटिक कुलिस के समान हैं। थर्टी एट है, गर्भंत के अभ्रक दलन, यहाँ अभ्रक का अर्भक का क्या अर्थ है? तो अर्भक का मतलब यहाँ पर बच्चा है। तो परशुराम जब गुस्सा होते हैं तो वो कहते हैं कि जो माओ के जो गर्भ में पल रहे बच्चे भी तो मेरे डर से उनका गर्भपात हो जाता है, यहाँ तो अर्भक का मतलब यहाँ पर बच्चे से है। परशुराम ने सूर्य का कलंक किसे कहा है? सूर्यवंश का कलंक लक्ष्मण को कहा है, क्योंकि राम और लक्ष्मण दोनों सूर्यवंशी थे और जो लक्ष्मण थे उनके साथ काफी उपहासपूर्ण बात कर रहे थे, इसलिए गुस्से में परशुराम ने लक्ष्मण को सूर्यवंश का कलंक कहा है। प्रश्न 40, परशुराम ने विश्वामित्र को क्या चेतावनी दी थी? परशुराम ने विश्वामित्र को कि उसकी जो उसकी शक्ति लक्ष्मण को बता दे, उसकी शक्ति लक्ष्मण को बता दे, सीता स्वयंवर को रुकवा दे, शिव धनुष को पुंज उड़वा दे, धनुष तोड़ने वाले का नाम बता दे। तो यहां पर उसकी शक्ति लक्ष्मण को बता दे, वो कह रहा था कि आप मेरे बारे में लक्ष्मण को बता दीजिए, ऐसा उसने विश्वामित्र को कहा था, ताकि लक्ष्मण मुझसे डर जाए और इस प्रकार की बातें न करे। 41वां प्रश्न है, युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? तो अपने अगर युद्ध हो रहा हो तो अपने जो प्रताप का बखान जो है कायर करता है, ऐसा जो शब्द है वो लक्ष्मण ने परशुराम को कहा था। परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसको दी थी? तो जो आप सभी को पता है कि जो परशुराम थे जो क्षत्रियों के और दुश्मन थे, उन्होंने कहा है कि मैंने अनेक बार ये भूमि जीतकर क्षत्रियों से विहीन कर दी है और उसको ब्राह्मणों को दान कर दी थी। तो यहां पर सही उत्तर है ब्राह्मणों को। विश्वामित्र के अनुसार साधु किसके दोषों को मन से धारण नहीं करते? तो यहाँ पर जो बच्चों के विश्वामित्र ने कहा था कि जो बच्चों के जो बड़े बड़े साधु होते हैं योगी होते हैं वो जो बच्चों के जो अपराध है उनको ज्यादा सीरियस नहीं लेते, यानी उनको मन से धारण नहीं करते। 44वां है, परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया है? तो लक्ष्मण के लिए कुटिल, निजकुल, घालक, काल, वंश, ये उपयुक्त सभी, यानी इन सभी शब्दों का प्रयोग किया है, उसको कुटिल भी कहा है, अपने कुल का नाश करने वाला भी कहा है, काल के वश में कहा है, और ये सारे सारे शब्द उसने कहे हैं। 45वां है, परशुराम किसे अपना गुरु मानते हैं? तो परशुराम जो है भगवान शिव को अपना गुरु मानते हैं, और उन्होंने जो जो परशुराम को जो धनुष दिया था उसी का सीता स्वयंवर के दौरान वो टूट गया था, जिससे वो गुस्सा हो गए थे।
46वां है, द्विज देवता गरी न बाडे शब्द किसने कहे हैं? तो ये लक्ष्मण ने कहे हैं कि द्विज देवता गरी के बाडे। तो यहाँ पर 47वां प्रश्न है, कविवर देव ने सवैया में किसकी सुंदरता का वर्णन किया है? तो कविवर देव ने यहाँ पर जो सवैया में श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया है। 48 है, कवि देव ने बसंत को किस रूप में चित्रित किया है? तो आप सभी जानते हैं कि कवि देव के जो सवैये में जो बसंत को बालक के रूप में चित्रित किया गया है, तो सही आंसर है बालक के रूप में। 49 में है, मुखचंद जुनहाई मंद हसी मुखचंद जुनहाई या जुनहाई का अर्थ है तो यहां पर चांदनी से है। और प्रश्न 50 में है, जो आखिरी है, फर्श में फैली चांदनी कैसी लग रही थी? तो फर्श में जो फैली चांदनी दूध के झाग सी लग रही थी। तो ये आज के जो 50 प्रश्न थे जिनका हमने अभ्यास किया, ऐसा है ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।